तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम घर पर बनाने वाले हैं सुतली बम पटाखा। दोस्तों ये पटाखा बहुत ही शानदार बना है और इसका साउंड तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार का कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है। दोस्तों अब इसे चारों ओर से फोल्ड करना है, एक चकोर शेप दे देना है। आप अपने मुताबिक इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने इसका मीडियम साइज किया है तो मैं इसे कहीं ये साइज लूँगा। तो इसके बाद अब इसे टेप से चारों ओर से कवर कर देना है। क्या होगा कि ये हमारा कार्डबोर्ड का टुकड़ा इससे टेप से चारों ओर से कवर हो जाएगा और ये अच्छा शेप ले लेगा और ना ही ये खुलेगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट से इस पर टेपिंग कर देता हूँ। टेपिंग कर लेने के बाद आपको एक छोटा सा टुकड़ा और लेना है, जिसे नीचे की साइड में कुछ इस प्रकार से लगा देना है। इससे क्या होगा कि इसमें हमारा जो बारूद होगा वो उसमें आसानी से रुक जाएगा। तो मैं इसे भी फटाफट से टेपिंग की मदद से चिपका देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारे सुतली बम का जो कवर था वो बनकर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों बारी आती है इसका बारूद बनाने की। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार की माचिस ले लेनी है। माचिस आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वाली थी तो मैंने यही यूज कर लिया है। अब इनके ऊपर जो ये बारूद लगा होता है उसे एक एक तिल्ली पे से हमें निकाल लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस काम को भी कर लेता हूँ। बारूद निकाल लेने के बाद अब दोस्तों बारी आती है इसे बारीक बारीक पीसने की। आप कोई भी प्लास्टिक की चीज से इसे बारीक से पीस सकते हैं। ध्यान रहे आप इसमें कोई भी लोहे की चीज मत यूज करें, क्योंकि इसमें स्पार्किंग भी हो सकती है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से पीस लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी प्रकार से बारीक करके पीस लिया है। अब दोस्तों बारी आती है इसमें मेन बारूद की। दोस्तों जो बिजली बम आते हैं, जब हम उन्हें लाते हैं तो उसमें से कुछ खराब भी निकल जाते हैं। ये मेरे पास उन बिजली बम का ही बारूद था। तो अब मैं इन दोनों को एक जगह मिक्स कर लूंगा अच्छी प्रकार से। ध्यान दें दोस्तों मैंने एक माचिस का ये मसाला लिया है और ये 5-6 बम का बारूद होगा। तो मैंने दोनों को अच्छी प्रकार से मिला लूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी प्रकार से मिला लिया है। अब बारी आती है इसे जो हमने कवर बनाया था उसमें डालने की। तो अब इसे आपको धीरे धीरे करके इसमें अच्छी प्रकार से डाल लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं इस काम को भी कर लेता हूँ। ध्यान है दोस्तों आपको इसे बिल्कुल भी पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, इसे थोड़ा सा खाली रखना है। क्योंकि जो अगर हमने इसे पूरा भर दिया तो इस पे जो हम ऊपर की ओर में कवर लगाएंगे वो सही से नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है एक और छोटा सा टुकड़ा लेने की। इसमें आपको बीच सेंटर में एक होल कर लेना है, या आप किधर भी साइड में भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी प्रकार से कवर कर देना है टेप की मदद से। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे चारों ओर से अच्छी प्रकार से टेप से कवर कर दिया है और टेप के ऊपर में भी एक छोटा सा होल कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसमें फ्यूज लगाने की। आप घर पर पड़े खराब पटाखे का फ्यूज यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास फ्यूज नहीं है तो मैंने चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि फ्यूज की वीडियो भी बनाई हुई है कि घर पर कैसे फ्यूज को बनाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब हमारा ये पटाखा कुछ कुछ शेप ले चुका है। अब बारी आती है दोस्तों इस पे सुतली लगाने की। दोस्तों ये हरे कलर का मेरे पास धागा पड़ा था, इसे ऊन भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप इस पे सुतली भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हरे कलर की धागा पड़ा या ऊन जो भी है पड़ी थी, तो मैं सही लगा दूंगा क्योंकि हमारा सुतली बम का कलर भी हरा ही होता है। तो चलिए मैं इस पे फटाफट से इस धागे को लपेट देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस पे धागे को अच्छी प्रकार से लपेट दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसमें गांठ लगाने की। आप दोस्तों इसमें थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से मजबूती के साथ में इसे बांध दे, जिससे कि हमारी जो इस पे हमने धागा लपेटा है वो खुले ना। तो देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छी प्रकार से इस धागे को लपेट दिया है। चलिए मैं सब फटाफट से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अब हमारा सुतली बम बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार है। अब दोस्तों आपको एक काम और कर लेना है, जो हमने इस पर सुतली लपे या धागा लपेटा था उसे फ्यूज की साइड में से थोड़ा थोड़ा हटा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा फ्यूज आसानी से चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अपने सुतली बम की थोड़ी सी डेकोरेशन और करेंगे, जिससे कि हमारा सुतली बम बिल्कुल बाजार के जैसा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो मेरे पास ये चमकीली वाली टेप पड़ी थी, तो मैं इसमें एक एक राउंड इस पर लपेट दूंगा, जिससे कि देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा।
दोस्तों यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो पटाखा है, सुतली बम बोल सकते हैं, वो बनकर तैयार है। इसके साथ में मैंने एक और बना लिया था और दोनों देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब इनकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं।